इस वीडियो में हम तस्वीरों की मदद से मुख्तलिफ एक्शंस के नाम सीखेंगे। एक्शंस यानी अमल। एक्शंस का क्या मतलब है? अमल, बिल्कुल सही। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें इन तस्वीरों से मुतालिक क्या करना है। आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। लुक एंड से, यानी देखिए और बोलिए या बताइए। तो अब हमने गौर से तस्वीर को देखकर ये बताना है कि इस तस्वीर में क्या एक्शन या अमल हो रहा है। चलिए इस तस्वीर को देखकर बताने की कोशिश कीजिए। आपके ख्याल में ये खातून क्या कर रही है? बिल्कुल सही, ये खाना पका रही है। खाना पकाने के अमल को इंग्लिश में कहते हैं कुकिंग। तो ये क्या कर रही है? ये कुकिंग कर रही है, बिल्कुल सही। तो खाना पकाने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुकिंग, बिल्कुल ठीक। चलिए अब इस तस्वीर में देखकर बताइए, ये लड़की क्या कर रही है? ये दुआ मांग रही है। दुआ मांगने के अमल को इंग्लिश में प्रेइंग कहते हैं। तो ये लड़की क्या कर रही है? ये प्रेइंग कर रही है। दुआ मांगने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेइंग, बिल्कुल सही। चलिए अब इस तस्वीर में देखकर बताइए, ये फैमिली या खानदान मिलकर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही, ये सब मिलकर खाना खा रहे हैं। खाना खाने के अमल को इंग्लिश में कहते हैं ईटिंग। क्या कहते हैं? ईटिंग, बिल्कुल सही। अब इस तस्वीर में देखिए, ये भी एक फैमिली की तस्वीर है। इस तस्वीर में इस फैमिली के अफराद क्या कर रहे हैं? ये सब मिलकर टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल सही। तो देखने के अमल को इंग्लिश में कहते हैं वॉचिंग। वॉचिंग, देखने को क्या कहते हैं? वॉचिंग, बिल्कुल सही। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए, इस तस्वीर में इस खातून के पास फर्श साफ करने का सामान मौजूद है। तो सफाई के अमल को इंग्लिश में कहते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग, सफाई सुथराई के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लीनिंग, बिल्कुल ठीक। अब इस तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर का इशारा नहाने के अमल की तरफ है। नहाने के अमल को इंग्लिश में कहते हैं बेदिंग। बेदिंग, नहाने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेदिंग, बिल्कुल सही। अब इस तस्वीर में देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये एक पार्क में खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। खेलने के अमल को इंग्लिश में कहते हैं प्लेइंग। प्लेइंग, खेलने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेइंग, बिल्कुल ठीक। चलिए अब इस तस्वीर को देखकर बताइए, इस तस्वीर में ये शख्स क्या कर रहा है? ये गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाने के अमल को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइविंग। ड्राइविंग, चलिए अब आप बताइए, गाड़ी चलाने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राइविंग, बिल्कुल ठीक। चलिए अब मिलकर दोहराते हैं, खाना पकाने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुकिंग, बिल्कुल ठीक। चलिए अब ये बताइए, दुआ मांगने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेइंग, बिल्कुल सही। और अब ये बताइए, खाना खाने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईटिंग, शाबाश। और अगर कोई शख्स किसी चीज को देख रहा हो,
जैसा कि इस तस्वीर में सब मिलकर टीवी देख रहे हैं। तो देखने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉचिंग। शाबाश। चलिए अब ये बताइए, सफाई सुथराई के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लीनिंग। बिल्कुल ठीक। और अब ये बताइए, नहाने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेदिंग। बिल्कुल सही। और खेलने के अमल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्लेइंग। बिल्कुल सही। चलिए अब ये बताइए, गाड़ी चलाने के अमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राइविंग। बहुत खूब, आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो इस वीडियो में हमने तस्वीरों की मदद से चंद एक्शंस के नाम इंग्लिश में सीखे। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।